बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। इसके साथ ही साथ बीजेपी पर भी नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की। माननीय सुशील मोदी जी, गुजरात मॉडल ने तो आपका राजनीतिक बद्ध कर दिया। हालात यह हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता बन गए जिनकी कोई भूमिका नहीं रही। और माननीय नीतीश कुमार जी आजाद बिहार के सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनको क्लाइमेट लीडर कहा, दुनिया में जिसके काम की प्रशंसा करती है, आज हालात आपका ऐसा हो गया कि अपने बारे में स्पष्ट करिए ना कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही थी नगर निगम चुनाव के समय कि दलीय आधार पर चुनाव होगा, क्या गुजरात मॉडल जो है आपको पटना नगर निगम के किस प्रक्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी, क्या हालात ऐसे दुर्दिन अगर पहुंच गए हैं आपके तो आपकी दुर्दशा देखी न जाए। और यूट्यूबर मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी के दौरान दिए गए विवादास्पद बयान पर पटना पुलिस के स्कॉट पार्टी के सभी सदस्यों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण इन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। एसपी ने बताया कि मनीष कश्यप ने न्यायिक हिरासत में होते हुए न केवल इंटरव्यू दिया बल्कि उनके साथ कोर्ट हजरात से कोर्ट में पेशी के दौरान कई लोग साथ साथ चल रहे थे, जो मनीष कश्यप की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल है। एसएसपी ने बताया कि बेऊर जेल प्रशासन को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि भविष्य में कोर्ट के स्पष्ट आदेश पर ही मनीष कश्यप की न्यायालय में सशरीर पेशी की जाए, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हो। देखिए, जो एक दिन एक जो मनीष कश्यप हैं, जो कई मामलों में जो है फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में है बेऊर जेल में, उनकी उपस्थापन के दौरान जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ इंटरव्यू टाइप देते हुए दिख रहे थे। इस संबंध में जो है इसकी जांच कराई गई थी। जांच के क्रम में ये पता चला कि इसमें जो कोर्ट हाजत है, उस कोर्ट हाजत से कोर्ट में उपस्थापन के दौरान एक एसआई और 3 कांस्टेबल्स को उनके साथ प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सुरक्षित जो है कोर्ट हाजत से न्यायालय में उनको उपस्थापित कराएं, वापस कोर्ट हाजत पर लाएं। इस दौरान जो वीडियो देखा गया और उसके बाद जो जाँच पाई गई, उसमें ये पाया गया कि इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से उचित तरीके से निर्वहन नहीं किया गया, और जो एक न्यायिक हिरासत में जो एक कैदी है उसको जो है इस तरह से इंटरव्यू देने की छूट दी गई, और साथ ही साथ जो उसके साथ बहुत से ऐसे लोग जो है जो उसके परिचित थे उनको उनके साथ समायोजित होने दिया गया, उनके साथ चलने दिया गया। तो इसको सुरक्षा में गंभीर लापरवाही मानते हुए एक एसआई को और 3 पुलिस कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया। सर, मनीष कश्यप की जब संबंध में जो हम लोगों ने जेल सुपरिंटेंडेंट साहब को भी एक लिखित पत्र भेजा है, उनसे अनुरोध किया है कि भविष्य में जब भी इनकी तिथि हो उपस्थापन की तो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उपस्थापित कराया जाए, और इनको भौतिक रूप से जब तक न्यायालय का स्पष्ट आदेश नहीं हो भौतिक रूप से इनको न्यायालय परिसर में नहीं भेजा जाए। नहीं, ऐसा कोई जांच नहीं चल रही है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, वो जो स्पष्टीकरण देंगे उसके बाद जो नियम संगत तरीके से जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं उनके समय समय पर उनको जो है ब्रीफिंग की जाती रहती है। इसके अलावा जैसे एएसआई रैंक के ऑफिसर हैं, ऑफिसर्स को इसीलिए लगाया जाता है कि वो अपने आप में काफ़ी अनुभवी हो जाते हैं, और इस तरह के कार्य जो है क्योंकि हम लोग अरेस्ट करते हैं तो पुलिस स्टेशन से भी सुरक्षित ले जाना और अन्य तरीकों पे जब रिमांड पे लेते हैं तब भी सुरक्षित रखें, जो भी पुलिस अवरीक्षा में या न्यायिक अवरीक्षा में है जो पुलिस को सुपुर्द किया गया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो इस तरह के जब विशिष्ट मामले रहते हैं तब भी उनको ब्रीफिंग की जाती है, और नियमित रूप से भी ये उनका उत्तरदायित्व है। इस संबंध में भी उनके प्रशिक्षण के दौरान और अलग अलग अवसरों पर जो पुलिस लाइन में सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ब्रीफ भी करते रहते हैं। इसके अलावा जब निरीक्षण किया जाता है उस निरीक्षण के क्रम में भी जो है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा उनको इस संबंध में ब्रीफ किया जाता है कि उनको अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से निर्वहन करना है। कुल तक 5 लोगों के कर्तव्य हुए हैं, 4 एक एएसआई और 3। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना अंतर्गत बौद्ध विहार कॉलोनी के रहने वाले तारक सिंह ठेकेदार से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है, और फोन कर फिर बाद में मैसेज कर पैसे नहीं दिए जाने पर बेटे और बेटी को अगवा करने हत्या करने की धमकी दी गई है। लेकिन इस मामले में थाने की उदासीनता को देखते हुए
पूरा परिवार सहमा हुआ है। बच्चे डर से स्कूल और कॉलेज तक नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, वहीं पूरे परिवार के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगमकुआं थाना पूरे मामले को लेकर लापरवाह है। वो जब ऊपर थे तो हमको मैसेज आता है कि नाम तो है चंदन है ना, मेरा मन का पूरा बात बात बताता है कि हम यहाँ सोते हैं, इतना बजे हम जाते हैं, ससुराल में कहाँ पड़ता है, सब बता देता है। फिर बोलता है कि पैसा नहीं देगा तो हमको मार देगा, नहीं तो बहन लोग मेरे तो उसको उठवा देगा कोचिंग से। अकाश ये हमको बता दिया कि कोचिंग में कौन है, कितना बजे आता है, कितना बजे जाता है। साफ जाहिर है कि तो कोई तुम्हारा करीबी आदमी का। हाँ, मैंने के नाम लिया है, बताया है कि मुकेश के आना, मुकेश के दुकान पर हम बैठते हैं, ये बगल दुकान है कहाँ, ये बगल में मुकेश के आना दुकान है, वहीं पर बैठता है, नाम लिया है। फिर मामला पहले ही हुआ था, हमको 20 तारीख के 1:34 में फ़ोन किया कि बेटा के शादी किया है, इनवाइट नहीं दिया है। उसके बाद बोलता कि 20 लाख रुपया तो नहीं तो बेटा को उठा लेगा, 20 लाख रुपया तो नहीं तो बेटा के उठा लेंगे, बेटा प्यारा है, 20 लाख रुपया दो और नहीं तो बेटा के उठा लेंगे, तो गोली मार देंगे। उसको इतना जानकारी कैसे है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं क्या करते हैं, सब जानकारी लड़का को कैसे है? जानकारी जहाँ दुकान पर बैठा है लड़का, मुकेश किराना स्टोर है, इस सड़क हमको घर में 2 साल किराया पर रहा है सर। धमकी दिया है 20 लाख रुपया नहीं देंगे तो बेटा बेटी के उठा लेंगे, जान से मार देंगे। बोला जी कि सब स्कूल में पढ़ता है आपका बेटी, बेटी के नाम है मुस्कान, बेटा के नाम है चंदन। बोला जी चार तल्ला पर सुता है जे भी जानता है, और कोचिंग में जाता है जे भी जानता है। बोला जी मुकेश के दुकान पर बैठते हैं, हम देखते रहते हैं, 3 बजे तुम्हारे पापा आता है और फिर बहन से ले करके उसको हम मार देंगे गोली से। मैंने फोन किसके मोबाइल पर आया था? आया पहले पापा को मोबाइल पर कि 20 लाख रुपया दीजिए, जब बेटा बेटी के मुंह देखना है तो 20 लाख रुपया दीजिए ना तो जान से मार देंगे। आपके पति के मोबाइल पर आया? हाँ, और उसका बाद 2 दिन बाद फिर बेटा के मोबाइल पर मैसेज भेजा। हाँ, क्या मैसेज भेजा? मैसेज भेजा जे तुम्हारे पापा से 20 लाख रुपया मांगे, तब बोला जे नहीं देंगे जे, तब बोला जे 20 लाख तुम्हारा पापा को प्यारा पैसा है, बेटा प्यारा नहीं है, तो जान मार देंगे तो पापा तुम्हारे जी नहीं पाएंगे। नालंदा महंत विद्यानंद इंटर महाविद्यालय में इंटर की मासिक परीक्षा को लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के नाम पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से 200 रुपयों की अवैध वसूली से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेज में मासिक परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा के नाम पर सरकारी हो या प्राइवेट, हर कोई कॉलेज चांदी काटने में जुटा है। कुछ छात्र पैसा देकर परीक्षा में तो सम्मिलित हो गए, पर जिन्होंने नहीं दिया उसे परीक्षा से वंचित रखने का फरमान कॉलेज प्रशासन की तरफ से सुना दिया गया। कॉलेज प्रशासन की मनमानी से नाराज छात्रों ने एकजुट होकर कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए न सिर्फ मोर्चा खोल दिया बल्कि घंटों हंगामा और प्रदर्शन भी किया। राजधानी पटना में अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले हथियार के साथ एक युवक को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का है, जहां गश्ती के दौरान एक संदिग्ध युवक को शक के आधार पर पकड़ा गया, तो चेकिंग के दौरान युवक के पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सदर SP सुष्टि सहरावत ने कहा कि हथियार और कारतूस बरामद होने के बाद युवक से पूछताछ की गई। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम इंद्रजीत कुमार, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 25/9/23 को रामकृष्ण नगर थाना की टीम द्वारा संध्या गश्ती के समय एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया, उसकी तलाशी ली गई। उसके समक्ष एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस जो है बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम इंद्रजीत कुमार,
जो थाना बुद्धा कॉलोनी जिला पटना के रहने वाले हैं बताया है। संबंधित थाना में कांड दर्ज किया गया है और उनको न्यायालय अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले थे, रामकृष्णा नगर में कहीं ले गए थे। इसमें उनसे पूछताछ अभी जारी है, जैसे ही इसमें आगे कुछ सूचना और मिलेगी हम लोगों को अनुसंधान में उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम क्या बताया है कि इनके अन्य गैंग भी हैं क्या? अभी उसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, जो भी उनसे साक्ष्य जो भी मिलेगा उसमें आगे की कार्रवाई। ये एक ड्राइवर का काम करते थे और आगे इन्होंने जो भी सूचना दी है उनका सत्यापन पहले किया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कुछ इसमें आगे बिल्डर का भी नाम आ रहा है। बिल्डर के साथ काम करते थे कि अभी उसके बारे में हम लोग सत्यापन नहीं कर पाए हैं कि इनका क्या क्या काम रहा है, किस किस के साथ ये काम करते थे और इस थाना क्षेत्र में किस मकसद के साथ ये आए थे। जैसे ही अनुसंधान में आगे कुछ आता है तो उस पर हम लोग आपराधिक इतिहास दिए गए। आपराधिक इतिहास आसपास के थाना से, जिस थाना के रहने वाले हैं वहाँ से पता किया। पिस्टल कहाँ से लाए थे? उसमें अनुसंधान में ही ये सारी चीजें जो है आगे आएंगी और उसी में बताया जाएगा। पूछताछ में इन्होंने बताया है क्या कि ये ड्राइवर का काम करते हैं और सिर्फ पिस्टल रखते हैं, बाकी पिस्टल का क्या उपयोग करते हैं? इस बारे में अभी उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं बताया है। हमारे 22 सितंबर से शुरू होने वाले विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला ऐतिहासिक हो, इसके लिए गया नगर निगम विशेष व्यवस्था करने में जुटा है। यही कारण है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में निगम स्पेशल रूट प्लानिंग के तहत तीर्थयात्रियों को हर सुविधा देने के प्रयास में लगा है। सर्किट हाउस स्थित जीआरडीए कार्यालय से मेला क्षेत्र समेत शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, स्टैंडिंग कमेटी सदस्य सह पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ और तमाम लोग मौजूद रहे और नए कचरा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उस दौरान उन्होंने विधिवत विशेष पूजा अर्चना के साथ 40 नए हॉपर टिपर सफाई वाहन को गया की सड़कों पर उतारा। इसके अलावा 100 डोर टू डोर और 160 कूड़ेदान वाला वाहन भी उतारा गया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।